जेके24 से जुड़ चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिल्पा शर्मा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सामने आने हैं और इस समय आप देखिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है। काउंटिंग सेंटर पॉलिटेक्निक कॉलेज में इस समय मौजूद है जहां पे काउंटिंग सेंटर बनाया गया है और इस समय आप देखिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है। काउंटिंग स्टाफ की बात करें तो काउंटिंग स्टाफ जो कि इस समय अंदर मौजूद है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट यानी कि जो मैदान में उतरे थे 873 के करीब, आज उनका फैसला होगा यानी कि उनकी किस्मत जो है वो आज बदल सकती है या फिर किस्मत जो है वो रुख ले सकती है यानी कि उनकी किस्मत का आज फैसला होने वाला है। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों का नतीजा जो है वो आज सामने आने वाला है यानी कि विधानसभा चुनाव के जम्मू कश्मीर के 90 सीट जिन पर जो है वो जम्मू कश्मीर के 873 कैंडिडेट मैदान में उतरे थे उनका नतीजा आज फाइनल नतीजा सामने आना है। और इस समय आप देखिए काउंटिंग स्टाफ की बात करें तो इस समय जो है वो अंदर मौजूद है, पोलिंग स्टाफ इस समय अंदर मौजूद है और कुछ ही समय के बाद यहां पर जो है वो ईवीएम मशीन को खोला जाएगा और ईवीएम मशीन में काउंटिंग जो है वोट्स की काउंटिंग शुरू की जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कैंडिडेट यानी कि जम्मू की 11 डिस्ट्रिक्ट्स की जो पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करें, एमएम कॉलेज और साथ साथ गांधीनगर कॉलेज, यहां पर जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट्स की जम्मू डिस्ट्रिक्ट की 11 जो यहां पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उनके नतीजे जो है वो पॉलिटेक्निक कॉलेज असेंबली पॉलिटेक्निक कॉलेज एमएम कॉलेज और साथ ही साथ गांधीनगर वुमेन कॉलेज में जो है इनके नतीजे सामने आएंगे। और इस समय आप ये साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं जहां पर आज इनके कैंडिडेट की किस्मत का जो है वो फैसला होगा। नगरोटा से अगर हम बात करें तो नगरोटा से बीजेपी कैंडिडेट दविंदर राणा है और कांग्रेस कैंडिडेट बलवीर सिंह एक कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ एनसी कैंडिडेट जोगिंदर सिंह नगरोटा में जहां पर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो रहा है और इसी बीच आरसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर रमन भल्ला है और साथ ही साथ नरेंद्र सिंह राणा है, एक आपको बता दें कि वहां पर भी एक कड़ा मुकाबला है, उनकी किस्मत का भी आज फैसला होगा। आपको जम्मू भाऊ की बात करें तो जम्मू भाऊ में जहां पे तरनजीत सिंह टोनी है और जो कि विक्रम सिंह रंधावा, आज इनकी किस्मत का फैसला होने वाला है। मढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर मोलाराम है और साथ ही साथ बीजेपी कैंडिडेट सुरेंद्र भगत है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एमएल खेट है। जम्मू नॉर्थ से दो फॉर्मर मिनिस्टर जो है वो मैदान में उतरे थे, श्यामलाल शर्मा जो कि बीजेपी कैंडिडेट से है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट अजय सुदोत्रा है और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बात करें तो शिवदेव सिंह है और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से जो है यानी कि गुलाम नबी आजाद पार्टी से जो है वो महेश्वर सिंह है। और वहीं पर जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो आप देखें लगातार इस समय जो है वो कैंडिडेट जो है वो कहीं ना कहीं धड़कने जो है वो हर किसी की तेज होते हुए नजर आ रही है कि आखिरकार क्या कुछ फैसला आएगा, क्या कुछ जो है वो नतीजे सामने आएंगे। जम्मू वेस्ट से जो है वो पहली बार अरविंद गुप्ता जो है वो मैदान में उतरे थे और साथ ही साथ ठाकुर मनमोहन सिंह जो है वो मैदान में उतरे थे। जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी कैंडिडेट युद्धवीर सेठी जो कि पहली बार मैदान में उतरे थे और कांग्रेस कैंडिडेट से योगेश सानी जो कि फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं। और सुचेतगढ़ से गाडूराम भगत कांग्रेस कैंडिडेट, अब देखिए बिश्ना की बात करें तो राजीव कुमार छम कॉन्स्टिट्यूंसी से, छम कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि एक प्रेस्टिजियस सीट है, और दीप्ति तारा चंद कांग्रेस कैंडिडेट बीजेपी कैंडिडेट राजीव शर्मा जो कि एक्स एमएलए रह चुके हैं। और वहीं पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यानी कि कांग्रेस पार्टी से सीट ना मिलने पर सतीश शर्मा जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े उतरे थे, और भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र सिंह बहू को टिकट ना मिलने पर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े उतरे थे। और अखनूर से बीजेपी कैंडिडेट मोहनलाल गुप्ता है, कांग्रेस कैंडिडेट अशोक कुमार भगत है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से 109 कैंडिडेट जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो 109 कैंडिडेट है, 109 उम्मीदवार है और आज उनकी किस्मत का जम्मू कश्मीर के 873 कैंडिडेट की किस्मत का आज फैसला होगा। और इस समय हर किसी की निगाहें जो है वो नतीजों पे है कि आखिरकार क्या कुछ नतीजे जो है वो सामने आएंगे, क्योंकि इस समय देखिए इस समय जो है वो आम जनता हो या फिर लीडर्स हो कैंडिडेट हो हर किसी की धड़कने जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। और कुछ ही समय के बाद वोटिंग जो है काउंटिंग जो है वोट्स की वो शुरू होगी। लेकिन उससे पहले अब देखिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, स्टाफ जो है पोलिंग स्टाफ जो है वो अंदर जा चुका है, काउंटिंग स्टाफ अंदर जा चुका है और कुछ ही समय के बाद ईवीएम मशीन को खोला जाएगा और वो वोटों की गिनती जो है वो शुरू की जाएगी। कमेंट सेक्शन पर राय जरूर रखिएगा कि आखिरकार किसके सर पर जो है वो आज ताज सजने वाला है। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।